गाइस ये मछली जा रहा है, इसका बनेगा पहले पकोड़ा। गाइस ये रहू फिश है, रहू फिश रुई मछली, ये मसाले के साथ अच्छी से इसको मैग्नेट किया जा रहा है। वाह बहुत ही अच्छी से गाइस ये मैग्नेट हो चुका है और एकदम ढाबा स्टाइल में मजा आएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। दोस्तों छुट्टी है और आज छुट्टी के दिन हम पहुंच गए हैं गुलरबोज डैम पे। ये रहा डैम, दिखाएंगे आपको इसको, बाहर का नज़ारा तो कुछ इस तरह का है और दिखाएंगे आपको अंदर भी जाके इसका व्यू दिखाएंगे। बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त नज़ारा है और यहीं पर आज रेसिपी भी बनेगा, देखते अब क्या रेसिपी बनता है और यहीं पर करेंगे छुट्टी का इंजॉय। बने रहिए आप वीडियो के साथ और साथ में दोस्त लोग भी आ चुके हैं। ये रहा दोस्त लोग, देखिए दोस्तों से मिलिए। हाय, ये रहा गौतम भाई, ये पहली बार है आज वीडियो में। गाइस बने रहिए वीडियो में, अब जाते हैं मार्केट, मार्केट से कुछ लाते हैं, देखते क्या मिलता है मार्केट में, मजा आएगा छुट्टी का एंजॉय। फाइनली मार्केट से आ चुके हैं और मार्केट में हमें मिला मछली। जरा मार्केट का नज़ारा आपको दिखा नहीं सका कि वहाँ पर बहुत ही गाना बजना वगैरह चल रहा था, तो हमें मिल गया एक ढाबा और ये रहा वो ढाबा। इसी ढाबे में बनाएंगे आज अपने रेसिपी को। ये रहा ढाबे का नाम, ये गोलरबोज पे है, एकदम डैम से सटा हुआ है। ये है द बंगाली रेसिपी, मजा आएगा इसी में करेंगे दोस्तों छुट्टी का एंजॉय। हमारा मछली मिल गया बहुत ही ताज़ा, डैम का ही मछली, ताज़ा मछली है, दिखाते हैं आपको। ये रहा डैम का ताज़ा मछली, बहुत बढ़िया और एकदम ताज़ा फिश। इसी को खा के दोस्तों के साथ करेंगे छुट्टी का एंजॉय, साथ में दोस्त लोग भी आ चुके हैं। ये रहा, करेंगे छुट्टी का एंजॉय, बने रहिए और इसका जो रेसिपी प्रोसेस वगैरह है सब दिखाएंगे आपको। इसी ढाबा में बनेगा, ढाबा मालिक से बात हो चुका है, बने रहिए। गाइस जा रहे ढाबे में और ढाबे में अभी जो फिश का रेसिपी है बनने को तैयार है। देखिए क्या नज़ारा है, क्या लोकेशन है। ये रहा भाई लोग, ढाबे का मालिक। ये रहा फिश और फिश का बनेगा पहले पकौड़ा और उसके बाद ग्रेवी भी बनेगा। ये सब मसाले वगैरह सब सामान सट्टा ले लिया है। गाइस ये मछली जा रहा है, इसका बनेगा पहले पकोड़ा। गाइस ये रहू फिश है, रहू फिश रुई मछली, ये मसाले के साथ अच्छी से इसको मैग्नेट किया जा रहा है। बहुत ही उम्दा कारीगरी है भाई का। वाह बहुत ही अच्छी से गाइस ये मैग्नेट हो चुका है। गाइस मछली का पकोड़ा भी बनेगा, जो रुई फिश है, जो रोहू मछली है उसका पकौड़ी भी बनेगा और ग्रेवी भी बनेगा और साथ चावल भी बनेगा, मजा आएगा। गाइस ये गया तेल में मछली, इसका बन रहा है ये पकोड़ा। पहले पकोड़े को चखेंगे उसके बाद ग्रेवी को। बहुत ही शानदार लजीज। गाइस ढाबे के अंदर बहुत ही अच्छी से फिश फ्राई हो रहा है और बाहर का थोड़ा आपको नज़ारा दिखा देते हैं। गुलरबोज डैम का थोड़ा पीछे का जो नीचे का व्यू है वो दिखा देते हैं। बहुत ही मस्त ढाबे से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये रहा गाइस, ये पहाड़ के पीछे ये जो दिख रहा है ऊपर का हिस्सा, इसके पीछे बहुत ही सुंदर नज़ारा है, लोकेशन है, डैम है, बहुत बड़ा गुलरबोज डैम है, फेमस डैम है हमारे उत्तराखंड में दिनेशपुर साइड। और साथ देखिए नज़ारा, देखिए कितना खुला वातावरण, आज मौसम भी बहुत ठंडा है। ये है ढाबा, हम इस ढाबे पे बैठेंगे, देखते हैं अब कैसा बनेगा। ढाबा मालिक ने तो बोला कि बहुत ही अच्छा सॉलिड बना के देंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, टेस्ट करके बताएंगे आपको। गाइस फाइनली मछली का पकौड़ा बन गया है, देखिए क्या लाजवाब और मस्त पकौड़ा बना है मछली का। ये गाइस क्या सॉलिड पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है, रो फिश का एकदम मजा आएगा, बहुत ही सॉलिड। ये गाइस फिश पकौड़ा, मजा आ गया, बहुत ही सॉलिड और सुपर बना है, सुपर मजा आ गया। गाइस ये दोस्त लोग भी बैठ चुके हैं, ये भी बताएंगे अभी फिश पकौड़ा चख के
साथ चटनी कैसा बना? यम्मी, बहुत ही लाजवाब बना हमारा ये आज फिश फ्राई। ये गाइस फिश पकोड़ा, एकदम मक्खन माफिक, और चटनी मजा आ गया, बहुत ही सॉलिड उम्दा। देखिए क्या मुलायम रोहू फिश, एकदम डैम का ताजा मछली। ये हो रहा छुट्टी का एंजॉय। भाई वाह, कारीगरी मानना पड़ेगा, तारीफ करना पड़ेगा। आप भी आइए इस ढाबे पे, बंगाली रेसिपी गोलारबज डैम पे है, खा के आप भी तारीफ करेंगे। कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, खा के आप भी तारीफ करेंगे। गाइस फाइनली हमने फिश फ्राई बहुत ही मस्त चखे और फिश फ्राई को बहुत ही मस्त खाया। अब बारी है कि जो फिश का जो ग्रेवी बनेगा उसे चखेंगे। गाइस चलते हैं ढाबे के अंदर और बनाते अपने फिश करी को। कारीगर साहब बनाएंगे, दिखाते हैं आपको, बने रहिए। भाई अब ग्रेवी बनेगा ना? ग्रेवी, अब ग्रेवी बनेगा। ये रहा फिश, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है और ये चूल्हे पे कढ़ाई बैठा दिया है मालिक साहब ने। अब इसी में बनेगा ग्रेवी। गाइस ये तेल पड़ गया है। गाइस अब जाएगा जीरा। ये पड़ गया तेज पत्ता। गाइस ये अदरक प्याज लहसुन का पेस्ट सब एक ही साथ। वाह, ये भाई आज बना रहे हैं, भाई का ढाबा है गोलारबज डैम पे, बहुत ही अच्छी से फ्राई कर रहे हैं। ये क्या है? ऑनियन, प्याज का पेस्ट है। ये प्याज का पेस्ट है गाइस। ये मसाले की बहुत ही अच्छे से फ्राई चल रहा है गाइस। गाइस आप जा रहा है ये हरा मिर्चा का पेस्ट। ये हरा मिर्चा का पेस्ट, गाइस आप जा रहा है ये टमाटर पेस्ट। क्या मस्त मसाला बन रहा है, ढाबे का तो बात ही और है। अच्छे से मसाले का फ्राई चल रहा है गाइस, बहुत ही सॉलिड। गाइस अब जाएगा मसाला, ये पड़ गया हल्दी, धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर, मिर्ची हल्का सा, ये मिर्ची बहुत ही हल्का, इसमें ग्रीन चिली पड़ा हुआ है, कश्मीरी मिर्च लाल के लिए, ये कश्मीरी मिर्च डाल दिया भाई ने। वाह, अब मसाले को अच्छे से ये भुना जाएगा। गाइस ये डाल रहे हैं थोड़ा वाटर, थोड़ा सादा पानी डाल दिया मसाले को अच्छे से पकाने के लिए। ये भाई डाल रहे हैं पानी अब ग्रेवी के लिए, थोड़ा बहुत मसाला जो पक जाए अच्छे से। गाइस ये फिश पकोड़ा बन रहा है, किसी और का भी ऑर्डर आ चुका है, हमारा फिश करी बन रहा है, उस बीच में ये ऑर्डर आ चुका है भाई के पास। वाह, लाजवाब कारीगरी। और साथ ही गाइस ये हमारा फिश फ्राई, ये बनेगा फिश ग्रेवी। ये मसाले अच्छे से पक रहा है भाई का, भाई इधर भी लगे हुए हैं, भाई उधर भी लगे हुए हैं। ये क्या मसाला पक रहा है, सॉलिड। गाइस मसाला बहुत ही अच्छे से पक गया है, ये पानी भी बहुत ही सॉलिड, तेल ऊपर आ चुका है। अब पूछते हैं भाई से कि अब क्या पड़ेगा इसमें, भाई क्या जाएगा? अब पानी डालेंगे, पानी में जैसे उबाल आएगा थोड़ा सा, उसके बाद मछली डाल देंगे फ्राई वाला उसमें। ओके गाइस ये डाल दिया पानी, थोड़ा लपेटा टाइप में रहेगा। हाँ ठीक ठीक गाइस, बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है, अब जाएगा ये फिश।
ये जो फिश है ये फिश जाएगा, भाई डालेंगे इस फिश को गरीबी में, बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है। ये गैस बहुत ही अच्छे से मिलाया जा रहा है हल्के हाथों से। गैस ये फिश करी लमसम बन के तैयार है, अब इसको थोड़ा ढका जाएगा। ये गैस ढक दिया, अब ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट में ये बनके तैयार हो जाएगा। गैस 5 मिनट हो चुका है, ये गैस फिश करी बनके हो गया तैयार। ये रहा फिश करी, और गैस अब ये चावल के साथ सर्व होगा, बताते हैं आपको टेस्ट करके कि कैसा बना और कैसा रहा हमारा छुट्टी का एंजॉय। बने रहिए, बताते हैं आपको। गाइस फाइनली बनके फिश करी चावल वगैरह सब लग चुका है प्लेट में, ये आ गया अपने काउंटर पे, फिश करी चखते हैं। ये गाइस फिश करी जो ढाबे में बना है, खुशबू गाइस, ये चावल खिले खिले चावल, इसको लेंगे प्लेट पे। गाइस ये चावल और ये फिश और इसका ये लाजवाब गरीबी, हाय गाइस ये लगा लिया प्लेट पे, अब इसको बताते हैं कि कैसा बना। बहुत ही मस्त और लाजवाब खुशबू, फिश देखिए रोहू फिशी, और ढाबे में जो बना है ताजा मछली गोलाबोज डैम का, आय हाय उम्दा गाइस, उम्दा बना है। लाजवाब, भाई की तारीफ करूंगा कारीगरी का। इस ढाबे पे आप भी आइए, मस्त अपने छुट्टी को एंजॉय करिए, यहीं से ताजा फिश ताजा मछली जो गोलाबोज डैम का है रोहू फिश, बहुत ही वैरायटी का फिश होते हैं मछली होते हैं, यहाँ से लीजिए और ढाबे पे आइए और बना के खाइए ताजा मछली का जो स्वाद है वो तो गाइस लाजवाब, क्या बताए मस्त। गाइस फाइनली दोस्त लोग भी बैठ चुके हैं, उनसे भी लेते हैं फीडबैक कि कैसा बना है आजकल ये जो ढाबे में बैठ के जो फिश करी खा रहे हैं, छुट्टी का एंजॉय कर रहे हैं, कैसा रहा पूछते हैं उनसे भी। डिलीशियस ये गाइस, कुछ कहने की नहीं, एकदम एक नंबर बना है। गाइस फाइनली हमने फिश राइस वगैरह सब कुछ चख के मतलब अपने छुट्टी को इतना बढ़िया तरीके से एंजॉय किया, मजा आ गया। ये है जो ढाबे का ओनर, मजा आ गया, भाई ने बहुत अच्छा सेवा किया, और छुट्टी चलते हैं गोलाबोज डैम, मजा आएगा। गाइस फाइनली पहुंच गए हम गोलाबोज डैम पे, और डैम का जो नज़ारा है जो अद्भुत नज़ारा है, जो देश विदेशों के लोग यहाँ पे आते हैं उत्तराखंड गोलाबोज दिनेशपुर उधम सिंह नगर जिले में है ये जो डैम गोलाबोज डैम, यहाँ पे आते हैं लोग अपने छुट्टी को इन्जॉय करते हैं। देखिए एक झलक आपको दिखाता हूँ, शाम हो गया है फिर भी दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, देखिए क्या नज़ारा है, बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। बड़े भाई गाइस ये बोट वगैरह चल रहा है, देखिए क्या मस्त व्यू है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ये बहुत बड़ा डैम है गोलाबोज का, बहुत ही सुंदर नज़ारा, टूरिस्टों से हमेशा खचाखच भरा हुआ रहता है। अभी तो शाम का टाइम है गाइस, हम बैठे थे वहाँ पे, वो जो लाइट जल रहा है, हम वहाँ पे बैठे थे अपना फिश करी जो छुट्टी का एंजॉय किए हैं, और साथ ही आप नज़ारा देखिए, ये है वो डैम जो विश्व विख्यात है गोलाबोज डैम उत्तराखंड का। गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियो अपलोड होता रहता है। हम तो करते हैं छुट्टी के एंजॉय, छुट्टी के एंजॉय आपको भी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए
बाय बाय।